Hi guys, today I am here for IELTS speaking tips. Yes, before that tips, जैसे कि मैंने अभी टाइटल में आपको बताया है कि आज की इस वीडियो के अंदर ये वीडियो जो है बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए, आपको बहुत मोटिवेट करेगी क्योंकि आज की वीडियो जो स्टार्ट की है ये टिप्स की, मैंने 3 साल का बच्चा कैसे पंजाबी के क्वेश्चंस का हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है। जी हाँ, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने कुछ टिप्स भी आपको दिए हैं कि कैसे वो बच्चा 3 साल का पंजाबी का इन्वायरमेंट घर में होते हुए भी, उसके गार्डियन पंजाबी में उससे बात कर रहे हैं, घर में सब पंजाबी बोलते हैं, बट वो कैसे इंग्लिश के अंदर ही सिर्फ रिप्लाई करता है, कैसे इंग्लिश में ही बात करता है जबकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ 3 साल का है। और अगर आप उस बच्चे से मिलना चाहते हो, आप उससे उसके लेवल के 3 साल के बच्चे के लेवल के क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, कुछ भी, आपको क्वेश्चंस सुन के आज की जो वीडियो क्लिप के अंदर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं, आप भी उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं डेफिनेटली उनके गार्डियंस को आपके क्वेश्चंस जो है सेंड करूंगी, वो उसी की वॉइस के अंदर आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, तो मैं उसका वीडियो बना के आपको ज़रूर अपलोड करूंगी। और अगर आप इस बच्चे से लाइव चैट करना चाहते हैं, इसको देखना भी चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, पहले तो वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये आपको मोटिवेट करने की वीडियो है, और दूसरा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो वीडियो है बच्चे को दिखाई जाएगी, आपके कमेंट्स उसको सुनाए जाएंगे, उसको मोटिवेट किया जाएगा, कन्विंस किया जाएगा, आपसे वो ज़रूर बात करने को रेडी होगा। सो जो भी बात करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अभी मैं वीडियो को, जो क्लिप है उसको शेयर करती हूँ आपसे, उसके बाद वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि एंड में मैंने इसके अंदर आपको टिप्स दिए हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करना है पंजाबी और हिंदी में, आपने घर में अगर है बोल रहे तो इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले। बेटा की कर रहे सी ओ कार, बाय बाय करके जा रही है, कितने जा रही है कार? ओ ट्रेन स्टेशन दे उत्ते। अच्छा कार, अच्छा ओके। अच्छा तुसी आज स्कूल गए से? ओ अच्छा न्यू वन, तुसी आज स्कूल गए से? तुसी केड़ी कार से स्कूल गए से? टोयोटा टोयोटा कार दे विच? ना टोयोटा फोर्ड। फोर्ड कार दे विच? अच्छा की र केड़ा कलर है तुम्हारी फोर्ड कार दा? डार्क ब्लू कलर है। अच्छा ते तो डिकोल होर केड़ी कार है? मस्टैंग। Red Mustang is my favorite color. But I told that after I'm not finished with that car, after I finish with that car, then we have to return this car. Then I have to return Ford. ओ डैडा रिटर्न करके आ जाएंगे फोर्ड? He buy Red Mustang. My car is biggest my car. ओ अच्छा, हूँ कितने रेड मस्टैंग कार? They dropped it. Somebody else didn't take that. Oh, where did I drop it? To the car station. The car station. Yeah. अच्छा। आज क्या किया है स्कूल से? I just played this card only yesterday. की प्ले कितना से? की Huh? प्ले कितना स्कूल से? Lupa. अच्छा, और आज शेयर कितने से ट्वाइस? I just only show the toy शो किनू शो कितना से? to my friend. अच्छा की नाम है फ्रेंड्स थे? I don't know. ओ यू डोंट नो? I didn't ask his name. I hit the ask his name. Fly here, fly
politely and gently. Achha, you shared gently and politely. Yeah. Good job. Achha, te hun tusi khana kha liya? Yes, food. Hmm? I only ate food. Ate food? Ki khaya si aaj food che? I like fruit, apple, and tomato, carrot, apricot, flute. So, let's start the tips. Before starting the tips, मुझे आप जरूर बताएं कि आपको ये conversation कैसी लगी और आपको इससे कितना motivation मिला. So, इसी के साथ ही अभी आपको मैं tips बताती हूँ. सबसे पहला tips आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने सोचो. Think in English, read in English, newspaper, story books, speak in English, watch in English, talk in English, everything. आज से आप सोच लो कि आपको इंग्लिश में ही करना है. आप ये सोचो कि आपको ही इंग्लिश आती है, सामने वाले को आपने समझाना है, उसको हिंदी पंजाबी कुछ लैंग्वेज नहीं आती, आपने उसको इंग्लिश में ही समझाना है और आपको भी इंग्लिश के बिना और कोई लैंग्वेज नहीं आती. तो इससे क्या होगा, आप जब अपने मन में एक बात सोच लेंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, तो आपके अंदर से अपने आप ही इंग्लिश के वर्ड्स आप जब सोचना शुरू करेंगे तो वर्ड्स भी आपके ज़ुबान पे आएंगे. अभी क्या होता है, आप जब भी आपसे कोई बात करता है तो सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर उसका आंसर जो है वो पंजाबी में या हिंदी में, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उसके अंदर आता है. तो अगर आप सोचेंगे ही, अपने आप को इतना डिटर्मिन कर लेंगे कि आपने रिप्लाई ही अपना इंग्लिश में देना है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो इंग्लिश में बनेगा और आप उसका रिप्लाई भी इंग्लिश में करेंगे. और सेकेंड टिप है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश बाय स्पीकिंग विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ आप इंग्लिश बोलना शुरू करें, प्रैक्टिस करें, और बच्चों के साथ, जैसे कि हु आर लेस प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, उनसे भी बात करें. देन यू, आप जितना भी आपको इंग्लिश आता है, आप अभी क्लासेस लगा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जितनी भी इंग्लिश आपने सीखी है, आप बच्चों के साथ, अपने से कम घर में काम करते हैं उनके साथ, या फिर कस्टमर केयर के साथ, किसी के भी साथ आपने बात करनी है, तो आप इंग्लिश में बात करना शुरू करें. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश बाय स्पीकिंग विद योर फ्रेंड्स हु आर लेस प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. ओके, ऐसे फ्रेंड्स जो लेस प्रोफिशिएंट हैं, जिनको ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि आप तो आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो फ्रेंड्स जिनको ज़्यादा नहीं पता, आप उनके साथ भी इंग्लिश में ही बात करें. तो तीसरा टिप, सेट अ गोल फॉर लर्निंग इंग्लिश. आप इंग्लिश का गोल सेट करें कि आपको क्यों इंग्लिश सीखनी है, आपको कौन सी कंट्री में जाना है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सेंट को बनाने का कोशिश करें. एक्सेंट तो चलो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट आप अपनी वोकैब को इतना स्ट्रांग कर लें कि आप अपना एक गोल सेट करें. नेक्स्ट टिप है, टॉक टू योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ वॉल और मिरर. शीशे के सामने खड़े हो जाएं, कोई ऐसा घर का कॉर्नर होता है, कोई दीवार होती है जो आपकी फेवरेट होती है, कोई पिक्चर आपने लगाई होती है, तो प्रिटेंड करें, बात करें उससे इंग्लिश में, सोचें इंग्लिश में, उसकी तरफ से भी रिप्लाई करें, अपनी तरफ से भी रिप्लाई करें. मिरर के सामने खड़े हो जाएं, समझे कि आपके सामने कोई और खड़ा है, तो आप उससे इंग्लिश में बात करें. तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने घर में रह के, अपने रूम में रह के. नेक्स्ट टिप, जितने भी डिस्कस रीसेंट लर्न्ड इंग्लिश वर्ड्स विद योर फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स. जितने भी आप नए वर्ड्स रोज का सोच लिया, आपने एक या दो वर्ड वोकैबुलरी का याद करना है, लर्न करना है, और कोशिश करनी है कि उस वर्ड को दिन में 3 से 4 बार, जितनी बार भी आप घर के अंदर बात कर रहे हैं या बाहर फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, उस वोकैब वर्ड को आपने ज़रूर यूज़ करना है. किसी ना किसी तरह से, कोई ना कोई सेंटेंस के अंदर आप उस वोकैब के वर्ड को, वोकैबुलरी का जो वर्ड आप सीखते हो, उसको आप ज़रूर यूज़ करें. नेक्स्ट, ऑलवेज, सबसे पहला, जब भी आप किसी से बात करते हो, कोई भी आप नया वर्ड सीखते हो, अगर आपको कोई उसके अंदर पॉइंट आउट भी कर देता है कि इस तरह से नहीं, ऐसे, तो एम्बैरेस नहीं होना, शर्माना नहीं है, तो उसका थैंक यू करो कि ठीक है भाई, तुमने मेरी मिस्टेक निकाल दी. ऐसा नहीं कि उसके ऊपर गुस्सा करके दिखाओ ताकि वो नेक्स्ट टाइम से आपकी गलती ही निकालना बंद कर दे. तो हमेशा जो आपको पॉइंट आउट करता है आपकी मिस्टेक को, इंग्लिश के अंदर स्पेशली, तो आप उसका हमेशा थैंक यू करें, ताकि वो आपको नेक्स्ट टाइम भी जब आप बोल रहे हैं तो उसमें पॉइंट आउट करें कि कहाँ पे आपने गलत बोला है. लेकिन
शर्त ये है कि वो बंदे को आपसे ज़्यादा आनी चाहिए इंग्लिश, ऐसा नहीं कि वो आपके लेवल का ही आपसे कम जानता है पर फिर भी बोल रहा है करके, तो आपको पता नहीं है कि उसका ग्रामेटिकली या कैसे वो सेंटेंस जो ठीक है या नहीं है उसको कैसे पता है। तो जिसके साथ भी बात करें, अगर कोई आपसे ज़्यादा है, आपको इनक्रेज करता है बोलने के लिए, तो आप उनको भी बोलें कि ठीक है, वो आपकी हेल्प करें। और यूज़ एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड इमोशंस वाइल टॉकिंग इन इंग्लिश, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बात करें इंग्लिश के अंदर, अपने एक्सप्रेशंस, अपने जेस्चर एंड इमोशंस को भी उसी जैसे आप पंजाबी में करते हैं किसी चीज़ को सरप्राइज करने के लिए, कब कभी आपको एक झटका लगता है हाय, कभी आप खुश होते हैं हो वाओ, तो इंग्लिश के अंदर भी इसी तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे कि आपने अभी जो 3 साल के बच्चे का एक रिकॉर्डेड क्लिप सुना है, उस क्लिप के अंदर जैसे उसने अपने एक्सप्रेशंस को भी शो किया है कि क्या कर रहा है, एक्साइटेड है तो ट्रेन बाय कर रही है या कार बाय कर रही है, तो कैसे गया सोच के, या फिर थोड़ा सा बट क्या खाया उसने खाने के अंदर, कितनी ही जगह पे उसने अपने एक्सप्रेशंस जो हैं अपने अपनी स्पीकिंग के अंदर ही शो किए हैं। तो जब आप स्पीकिंग देने जाएंगे तो आपको एग्जामिनर के सामने बैठ के भी अपने एक्सप्रेशंस को शो करना पड़ता है। इसीलिए उस चीज़ को भी आप एक माइंड में रख के जाएं कि जब भी आप स्पीकिंग बोल रहे हैं तो आपको अपने जेस्चर्स, अपने इमोशंस उसी लैंग्वेज के अंदर शो करने हैं जैसे कि आप हिंदी और पंजाबी में शो करते हैं। ये तो थे आपके टिप्स, और इस टिप्स को आप एक बार ज़रूर सुने दोबारा, पढ़े दोबारा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको स्पीकिंग के रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, या फिर आपने 3 साल के टॉडलर्स की फिर से कुछ ऐसा आपने क्वेश्चंस पूछना है उस बच्चे से, तो वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और स्पीकिंग जो है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है? और अच्छे से अच्छे अपने बैंड लेके आएँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आइल्स स्पीकिंग एग्ज़ाम। और बहुत से क्वेश्चंस जो लेटेस्ट चेंज हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि जो बुक्स आपके पास आई हैं, अवेलेबल हुई हैं सितंबर टू दिसंबर की, उसी के अंदर जो क्यू कार्ड्स और क्वेश्चंस हैं वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। एग्ज़ामिनर के पास वो बुक नहीं है, एग्ज़ामिनर के पास अपना ही क्वेश्चंस का जो है वो सेटअप रहता है, उसी से उसने क्यू कार्ड के क्वेश्चंस पूछने होते हैं, उसी से उसके वो क्वेश्चंस आपकी लाइफ के साथ, आपके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के साथ रिलेटेड होते हैं। तो आप एक बार जो लेटेस्ट टॉपिक्स मैं शेयर कर रही हूँ, आप उसको भी ज़रूर देख के जाएँ एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स जो हैं आपके इसी के साथ रिलेटेड हैं, जो भी आपके आजकल की स्पीकिंग्स हो रही हैं, जो बच्चे आके अपनी स्पीकिंग्स शेयर करते हैं। तो आप एक बार ज़रूर उसको जाने से पहले देख के जाएं। अगर कोई हेल्प चाहिए प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।